शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन में बारिश, DHA, कैंट और गुलबर्ग में भी बूंदाबांदी। इस्लामपुरा, उर्दू बाजार और दाता दरबार के इलाके में बादल बरसे। बारिश का सिलसिला वक्ते वक्ते से जारी रहने की पेशगोई। गुलबर्ग क्रीक की मुतअद्दिद सड़कें बारिशी पानी में डूब गईं। 7 अप वाल्टन रोड, कैवलरी ग्राउंड की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। कई घंटे गुजरने के बावजूद सड़कों से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। कैवलरी ग्राउंड में वासा अमला ही तैनात नहीं, शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा। उधर वारिस रोड पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किल का सामना। कोरोना के बाद जारी शहर में कोरोना मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 254 नए मरीज रिपोर्ट। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.8% रिकॉर्ड की गई। बारिशों के बाद डेंगू मच्छर सर उठाने लगा। शहर में डेंगू के मजीद 8 नए मरीज सामने आ गए। 1569 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तर्क कर दिया गया। पंजाब पुलिस में आला सतह के तबादले। DIG ऑपरेशंस लाहौर समेत 7 आला अफसर तब्दील। अफजाल अहमद कोसर को DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान महमूद एडिशनल IG CTD तैनात हुए। अफजाल महमूद बट DIG VIP सिक्योरिटी, जबकि सुहेल चौधरी को DIG CTD तैनात कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास। वासिक कयूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान पर अदम एतमाद, मुस्ताफी होने की करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के इख्तियार दोबारा सेक्रेटरी असम्बली को देने की करारदाद भी मंजूर। PTI के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर आमद, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी सूरत हाल, इंतजामी मामला पर गुफ्तगू की गई। चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। इमरान खान ने वजीर आला के ऑफिस का प्रोटोकॉल भी मलहूज़ खातिर ना रखा। बगैर सरकारी ओहदा चेयरमैन PTI वजीर आला की कुर्सी पर बैठ कर मुशावरत करते रहे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान वज़ीर आला से वापस अपनी रिहाइशगाह चले गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में मौजूद। लाहौर के अरकीन असम्बली की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। आम इंतखाबात 6 से 8 हफ्तों में हो सकते हैं। अरकीन और पार्टी तंजीमें अभी से तैयारी शुरू कर दें। इमरान खान ने अरकीन असम्बली को नए इंतखाबात का टास्क दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली के मुतासरीन शामिल। सैलाब से जान बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 8 लाख इमदाद मिलेगी। घरों, फसलों, मवेशियों के नुकसान का तखमीना भी लगाने की हिदायत की। वज़ीर आला का सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर का हुक्म दिया गया। महकमे सेहत के CEO ऑफिस में अमले की किल्लत दूर करने का मंसूबा। गवर्नर पंजाब ने इंतजामी स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत 2 साल में 218 नई भर्तियां की जाएंगी। इंतजामी स्कीम पर 39,81,32,000 रुपये खर्च होंगे। मंसूबा 30 जून 2024 तक मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट के मरकजी रनवे की अपग्रेडेशन का मामला। नए रनवे पर जदीद 380 तैयारे की लैंडिंग का दावा। तैयारे को टैक्सी वे पर ले जाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। एयरबस 380 के लिए नए रनवे पर टैक्सी करना मुश्किल है। एयरबस 380 की लैंडिंग की सहूलत तो मौजूद है, पार करने की सहूलत अभी मुयसर नहीं। सरीन एयर का लाहौर से कोयटा परवाजों की बहाली का ऐलान। सरीन एयर 1 अगस्त से लाहौर से कोयटा हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। सरीन एयर कोयटा के लिए मंगल, जुमा और इतवार को 2 तरफा परवाजें ऑपरेट करेगी। हफ्तावार 3 परवाजों को ऑपरेट करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा शाहिद महमूद अब्बासी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। महरूमुल हराम के पेश नज़र कैंट पुलिस का फ्लैग मार्च। SP ईसा सुखेरा ने क्यादत की। फ्लैग मार्च अतवा के आवान, लखुडेर, बरकी रोड, गाजी रोड, हरबंसपुरा के अतराफ किया गया।
कोठी शेख फसीउद्दीन न्यू मुस्लिम टाउन में मजलसे आजाद जाकरीन ने अहले बैत की फजीलत और मसाइब बयान किए। बानी मजलस मोहम्मद मुअज्जम रजी, मोहम्मद तैमूर रजी और मोहम्मद अलमदार अली रजी ने शिरकत की। महकमा औकाफ ने दरबार बीबी पाक दामन को आरजी तौर पर खोल दिया। मुहर्रम अल हराम के पहले 10 रोज दरबार जायरीन के लिए खुला रहेगा। सेक्रेटरी औकाफ ने आगा शाह हुसैन के हमरा दरबार का दरवाजा खोला। सेक्रेटरी औकाफ मियां अब्रार अहमद ने दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया और दौरे के दौरान जायरीन के लिए होने वाले इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर की तारीखी LCCA ग्राउंड की सुनी गई। LCCA ग्राउंड में 9 पिचेस का स्क्वायर तैयार कर दिया गया। 14 इंच खुदाई के बाद पिचेस की तैयारी की गई। टर्निंग, बैटिंग, सीमिंग, स्पोर्टिंग पिचेस तैयार की गई हैं। क्यूरेटर उस्मान अर्शद ने पिचेस की तैयारी के अमल की निगरानी की। इंटर डिवीजन 3 रोजा टूर्नामेंट के मैचेस नई पिचेस पर खेले जाएंगे। और 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल सज गए। उर्दू बाजार में सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बाजे, बच्चों के कपड़े, बैजेस, शर्ट्स और दीगर सजावटी अशा की फरोख्त जारी है। बच्चे और बड़े कौमी त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश हैं।